महिला सशक्तिकरण का नारा तभी सार्थक होगा जब ग्रामीण अंचल की महिलाएं चूल्हे को छोड़ घर की दहलीज से बाहर आकर समाज के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगी। यह कहना है 2019 मिसेज हरियाणा का खिताब जीत चुकी पूजा अहलान का, जिन्होंने जीवन में कठिन चुनौतियों के बावजूद एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो दलित व ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है। चलिए देखते हैं अर्थ प्रकाश संवाददाता से बातचीत में पूजा हलान ने क्या कहा। चाहती हूँ कि क्योंकि मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ, औरत हूँ, मैंने वो सब जो एक आम लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में फेस करती है, कितनी जिम्मेवारियाँ उसके सिर पर होती हैं, मैंने वो सब फेस किया है, एक नकारात्मकता, एक नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन अपने लिए खड़े होना, उम्मीदें सबकी पूरी करो, लेकिन उनको पूरा करते करते कहीं ना कहीं अस्तित्व एक औरत अपना भूल जाती है। तो उसको अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है अपना स्टैंड लेना, किसी को बिना हर्ट किए। तो मैं चाहती हूँ उन महिलाओं को एक अच्छा रोल मॉडल मैं साबित हो सकती हूँ, उसके लिए मुझे मीडिया की ही हेल्प चाहिएगी ताकि मेरी बात उस घर घर तक जा सके, उन लोगों तक, उन रूढ़िवादी मानसिकता वाले जो उनके इन-लॉज हैं उन तक पहुँच सके कि वो अपनी बहुओं के प्रति, बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलें और उनको उनकी मंशा जो है, उनके सपने हैं, उनको पूरा करने में उनका साथ दें। जी थी तो मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। शादी से पहले भी मेरा एक इंटरेस्ट था कि मैं मॉडलिंग में जाऊं, कुछ अच्छा करूं, भीड़ से अलग। लेकिन समाज में आपको पता है हरियाणा में बेसिकली लड़कियों के लिए यही सोच होती है कि शिक्षा में भी कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ता है कि हमें बाहर निकलना है तो हमें दुनिया को जवाब देना होगा। लेकिन उसके लिए मैंने अपना एक जो मेरी शुरुआत थी वो सांस्कृतिक गतिविधियों, स्कूल से ही मैंने अपना जो पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया। लेकिन सर शादी के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए ज़रूरी था आर्थिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। तो मैं अभी जैसे कि कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और अपने शौक के साथ के साथ। मिसेज हरियाणा जब ये टाइटल मिला आपको, किसने आपको ऑनर किया इस ट्रॉफी के साथ? सर वहाँ पर जो मुख्य अतिथि जो थे कैबिनेट मंत्री राव नलवीर सिंह जी, हरियाणा सरकार, और गार्गी कक्कड़ जी हैं खादी ग्रामोद्योग भंडार से चेयरपर्सन हैं, तो उनकी उपस्थिति में मुझे जो MIK मीडिया है जिनकी तरफ से ये आयोजित करवाया गया था, उनकी जो डायरेक्टर हैं नीलम जी और देविका धीर जी, उन्होंने मुख्य अतिथि की उपस्थिति में मुझे ये ऑनर किया। आपके बच्चे वगैरह? मेरी सर एक बेटी है 8 साल की, महिका। हस्बैंड क्या करते हैं? सर वो SBI लाइफ इंश्योरेंस में सीनियर एरिया मैनेजर। बेटी को भी इसी लाइन में लेके आओगे आप? सर वो ऑलराउंडर है अभी, तो अगर उसका इंटरेस्ट है तो मैं मिस इंडिया के लिए उसको प्रिपेयर करूँगी, उसके लिए वो ज़रूरी है, उसका IQ लेवल और हर चीज़ को मैं उसको साथ के साथ पॉलिश कर रही हूँ, तो एजुकेशन में भी वो टॉप क्लास है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे से बात करके। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।